आगरा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस फोर्स संवेदनशील बूथों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने खैरागढ़ सर्कल के अति संवेदनशील बूथों पर पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाला। तो निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट मोड में समय पुलिस प्रशासन है, संवेदनशील बूथों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। खैरागढ़ सर्कल के बूथों पर फ्लैग मार्च, आगरा में 4 मई को मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आगरा प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। वहीं प्रशासन जाकर अति संवेदनशील बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से भारी पुलिस बल तैनात है और जो जाकर जो मेन जो बंधु हैं जो अति संवेदनशील उनके जाकर मौके पर जानकारी ले रहे किस प्रकार के जो अति संवेदनशील बूथ बनाए गए जिनकी पुलिस जानकारी। मेरे साथ खैरागढ़ सर्कल एसीपी महेश कुमार हैं, इसे जानकारी करेंगे किस प्रकार का इनके जो पैदल गश्त है और किस प्रकार। सर आपका देखिए जैसा कि आप जानते हैं 4 तारीख को खैरागढ़ कस्बे में चुनाव है जी। उसके मद्देनजर रखते हुए आरएफ के साथ थाना फोर्स ने आज रूट मार्च किया है, जिसमें जितने संवेदनशील क्षेत्र थे कस्बा खैरागढ़ में उनका रूट मार्च किया गया है। साथ ही इस बात का इंश्योर किया गया है कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए, किसी सरकारी संस्था या बिल्डिंग स्कूल की दीवार पर कहीं पोस्टर या प्रचार ना हो, ऐसी सामग्री ना हो। और इसमें भ्रमण के दौरान थाना चौराहे से लेकर बड़ी मस्जिद होते हुए छोटी मस्जिद होते हुए ऊँटगिरी चौराहा, ऊँटगिरी चौराहे से कागरल चौराहा, वहाँ से होते हुए उदय नगला का भ्रमण करते हुए तहसील में परिसर में आए हैं। चुनाव में किसी प्रकार की गतिविधियाँ का या पुलिस को कोई कुछ मिला सर? देखिए अभी शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी चूँकि अभी ये 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे पुलिस के लिए, चुनौतीपूर्ण होंगे, तो यहाँ दिन और रात दोनों ही टाइम पर हमें सतर्कता दृष्टि रखनी होगी और काफ़ी सावधानी से पुलिस को अलर्ट रखना होगा और इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा आचार संहिता का। लोकल पुलिस के साथ क्या अदर स्टेट पुलिस का भी कुछ सहयोग सर? बिल्कुल, लोकल पुलिस के साथ जैसे आरएफआई है, इसके अलावा पीएसी फोर्स को भी भेजा जा रहा है, अदर थानों के फोर्स जहाँ चुनाव नहीं है वो फोर्स भी भेजा जा रहा है और उसके वो सहयोग के लिए भेजा जा रहा है, तो ये फोर्स पर्याप्त है चुनाव कराने के। एसीपी सर्कल का साफ कहना है कि केंद्रीय पुलिस के साथ और आरएफआई पुलिस के साथ कई पुलिस के जो प्रशासन की जो टीम है जो लगातार गश्त कर रही है। आगरा से निपटने के लिए टंकू सिंह रिपोर्ट।